हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुशांत सिंह, क्वांट 99.48 परसेंटाइलर। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व पाइप एंड सिस्टम क्वेश्चन जो कैट 2018 में आए थे। इसके तीन क्वेश्चन आए थे पाइप एंड सिस्टम के, एंड टाइम एंड वर्क के तीन क्वेश्चन आए थे। तीन क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क है उनका वीडियो मैं ऑलरेडी बना दिया हूँ, वो चैनल पे है, आप देख लीजिए। और आज के वीडियो में हम पाइप सिस्टम के जो तीन क्वेश्चन हैं 2018 के, उसको सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सो रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ टैंक इज फिटेड विथ पाइप्स, सम फिलिंग इट एंड रेस्ट ड्रेनिंग इट। All filling pipes fill at same rate, and all draining pipes drain at same rate. Means efficiency is same for both draining and filling pipes. The empty pipe gets completely filled in 6 hours when 6 filling pipe and 5 draining pipe are on, but this time becomes 60 hours when 5 filling and 6 draining pipes are on. In how many hours will the empty tank get completely filled? ये सभी चीजें ना हम लोगों को अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि कभी कभी कैट एग्जामिनर क्या करता है ना, कि completely filled के जगह half filled या फिर क्वार्टर फील्ड ऐसे डाल देता है, और हम लोग हरी में इस चीजों को रीड नहीं कर पाते हैं और गलत सॉल्व करते हैं। सॉल्व गलत नहीं करते हैं, मतलब हम लोग फुल फील्ड को लेकर सॉल्व करते हैं, और फॉर्चुनेटली वो ऑप्शन भी रहते हैं क्वेश्चन में। सो इसीलिए क्वेश्चन रीड करना, बहुत अच्छे से रीड करना बहुत नेसेसरी हो जाता है, स्पेशली कैट में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें वो लोग चेक करते हैं। सो आगे पढ़ते हैं। व्हेन वन ड्रेनिंग पाइप एंड टू फिलिंग पाइप आर ऑन, टीटा का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे टीटा का क्वेश्चन आपको गलत सही भी नहीं पता चलेगा, इसीलिए रीड करना क्वेश्चन को बहुत नेसेसरी हो जाता है, अच्छे तरीके से रीड करना। तो सॉल्व करते हैं इसका। दोनों का एफिशिएंसी सेम है, फिलिंग का सारे पाइप का एफिशिएंसी सेम है, ड्रेनिंग का भी सारे पाइप का एफिशिएंसी सेम है। सो अपना काम का चीजें यहाँ से है स्टार्ट हो रहा है कि 6 आवर में फिल कर रहा है, जब 6 फिलिंग और 5 ड्रेनिंग पाइप ऑन है। सो टोटल वर्क इक्वल टू 6 फिलिंग पाइप प्लस 5 ड्रेनिंग पाइप इंटू 6 आवर। सेकेंड इक्वेशन यहां से बन जाएगा, 60 आवर ले रहा है 5 फिलिंग और 6 ड्रेन पाइप। सो टोटल वर्क इक्वल टू 60 इंटू 5 फिलिंग प्लस 6 ड्रेनेज। अब दोनों वर्क इक्वल है, सो हम इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो 6 फिलिंग प्लस 5 ड्रेनिंग इंटू 6 इक्वल टू 60 इंटू 5 फिलिंग प्लस 6 ड्रेनिंग। 6 10 60। सो 6 फिलिंग प्लस 5 ड्रेनिंग इक्वल टू 50 फिलिंग प्लस 60 ड्रेनिंग। अब ये 6 फिलिंग 50 फिलिंग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इधर, इसको यहाँ पे ले जाकर। सो 44 फिलिंग इक्वल टू, अब इसको यहाँ लेके आते हैं, सो ये हो जाएगा -55 ड्रेनिंग। अब माइनस यहाँ पे आया, सो आप वरी मत हो, क्योंकि ये ड्रेन हो रहा है तो वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 5 11 जा 55 4 11 जा 44। सो -5d इक्वल टू 4f। अब यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि फीलिंग, मतलब वैल्यू कैसे लेंगे, एक एक तरफ हम लोग ये कर लेते हैं, मतलब ये वैल्यू को एक तरफ लेके आते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन में क्या है। सो 4d इक्वल टू f, देखो यहाँ पे 4 है, सो ड्रेनेज हम लोग ले लेंगे 4, और फीलिंग
आ जाएगा 5। तो देखो ड्रेन यहाँ माइनस है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि ड्रेन में आएगा, फिलिंग में पॉजिटिव तो आएगा नहीं, तो ये माइनस हो गया 4 और ये फिलिंग में 5 इफिशियंसी हो गया। अब देखो इसका दोनों का इफिशियंसी मुझे पता चल गया, टोटल वर्क हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से या फिर यहाँ से किसी में भी फिल करके। तो अब यहाँ फर्स्ट वाली क्वेश्चन में फिल करते हैं, तो 6 फिलिंग, तो 6 5 जा 35, ड्रेनिंग सो 5 माइनस 4 20 इंटू 6, सो 10 इंटू 6 इक्वल टू 60। ये हो गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क भी पता चल गया, एक का एफिशिएंसी सॉरी ड्रेनेज का एफिशिएंसी भी पता चल गया, फिलिंग का भी एफिशिएंसी पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी आवर विल द टैंक गेट कम्प्लीटली फिल्ड व्हेन वन ड्रेनेज, मतलब वन ड्रेनेज मतलब -4 प्लस 2 फिलिंग, 2 फिलिंग मतलब 2 इंटू 5, ये कितने आवर में टैंक को फिल करेगा। सो टोटल टैंक का यूनिट इफिस टोटल वर्क कितना है, 60, मतलब टोटल यूनिट। तो 60 डिवाइडेड बाई 5, 2 जा 10, -4 6, सो 10 आवर्स। सो 10 आवर्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो कितना आसान है, ऐसे लोग बोलते हैं कि 2018 का बहुत टफ मैथ आया था, लेकिन टाइम एंड वर्क ऑन पाइप एंड सिस्टर के क्वेश्चन निकालना वेरी इजी था। तो यही है, पेपर जितना भी टफ हो, हम लोगों को इजी क्वेश्चन ढूंढने हैं कैट में, और वही गेम चेंजर होता है। कैट में क्वेश्चन डिफिकल्ट आते भी है, लेकिन इजी भी क्वेश्चन रहते हैं, तो हमको इजी क्वेश्चन ही ढूंढना है, बस इतना ही सीखना है। अगर हम इजी इजी क्वेश्चन ढूंढ लिया ना, तो इजीली हम लोग 99+ क्रॉस कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन रीड करते हैं, ए वाटर टैंक हैज इनलेट्स ऑफ टू टाइप, ए एंड बी। ऑल इनलेट ऑफ टाइप ए व्हेन ओपन ब्रिंग इन वाटर एट सेम रेट, सेम रेट मीन्स इफिशियंसी ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ पाइप ए इज सेम। ऑल इनलेट टाइप ऑफ बी व्हेन ओपन ब्रिंग इन वाटर एट द सेम रेट, सेम। द एम्प्टी टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड इन 30 मिनट्स इफ 10 इनलेट ऑफ टाइप ए एंड 45 इनलेट ऑफ टाइप बी आर ओपन, एंड इन 1 आवर इफ 8 इनलेट ऑफ टाइप ए एंड 18 इनलेट ऑफ टाइप बी आर ओपन। अभी देखो गाइज यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे मिनट में दिया है और ये आवर में दिया है, और हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनट में। सो हम या तो कर सकते हैं कि इसको मिनट को हम आवर में ही ले, और बाद में जब आवर में आंसर आए उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लें, या फिर इसको ही मिनट में रख लें, जिस वे से आप कंफर्टेबल हो उस वे से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे अच्छे से रीड करना कितना इसेंशियल हो गया, यहाँ पे मिनट दिया है, यहाँ पे आवर दिया है, थोड़ा सा अगर हम जल्दीबाजी में रीड करें ये मिनट आवर ही गैप कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे कितने मिनट में फिल करता है, तो ये अगर हम मिस कर दिए तो सारा काम खत्म। और ये भी टीटा में क्वेश्चन है, तो कोई चेकिंग भी नहीं हो सकता, ऑप्शन मिस मैच एंड ऑल का। सो इसीलिए केयरफुली क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली कैट जैसे एग्जाम में। इन हाउ मेनी टाइम्स विल द एम्प्टी टैंक गेट कम्प्लीटली फिल इफ 7 इनलेट ऑफ टाइप ए एंड 27 इनलेट ऑफ टाइप बी आर ओपन। सेम क्वेश्चन है इसके जैसा, लास्ट इसके जैसा सेम क्वेश्चन है, बस इसमें ड्रेन हो रहा है और वहां पे दूसरा पाइप आ जा रहा है बी। सॉल्व करते हैं इसको, सेम मेथड, कोई बहुत दूसरा मेथड नहीं। सो पहला इक्वेशन, टोटल वर्क इक्वल टू 10 इनलेट ए का, सो ए प्लस 45 इनलेट बी का, 45 बी, 30 मिनट लग रहा है, सो हम आवर में लेके चलते हैं, मैं आवर में लेके चलता हूँ, आप मिनट में लेके ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। मैं आवर में इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये 1 और 1/2 है, तो कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कि इजी जाएगा। सेकेंड इक्वेशन
के लिए टोटल वर्क इक्वल टू यहाँ पे 1 आवर, तो 1 8 इनलेट ए का प्लस 18 इनलेट बी का। दोनों को इक्वेट करते हैं, सो हाफ इंटू 10 a प्लस 45 b इक्वल टू 8 a प्लस 18 b। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 10 a प्लस 45 b इक्वल टू 2, इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना इसको यहाँ ले लेकर, सो 16 a प्लस 36 b। एक तरफ लेके आते हैं, सब ट्रैक करते हैं इसको इधर, सो 36 b है, ये 45 है, फोर 9 b, 9 b इक्वल टू 6 a, कैंसिल आउट करते हैं, 3 3 9, 2 3 6, सो 3 b इक्वल टू 2 a, b इक्वल टू 2 by 3 a। अब लेट ए का वैल्यू ले लेते हैं, कुछ 3 का मल्टीपल 3 ले लेते हैं, सो बी विल बी 2। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं इसी एक इक्वेशन में वैल्यू डालकर, इसमें डाल लेते हैं, यहाँ हाफ है, ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सो 8 इंटू ए, सो 8 इंटू 3 24 प्लस 18 इंटू बी, तो 18 इंटू 2 36, तो 30 30 60, सो इसका भी टोटल वर्क 60 ही आया। अब देखो क्या बोल रहा है, कितना मिनट में, जब 7 इनलेट ए का और 27 इनलेट बी का, सो ये 60 डिवाइडेड बाय 7 इनलेट ए का, सो 7 इंटू 3 प्लस 27 इंटू बी का 2 इफिशियंसी, सो 60 डिवाइडेड बाय 27 3 21 प्लस 27 इंटू 2 54, सो 60 डिवाइडेड बाय 4 5 75, मीन्स 415 5 2 75। अब 60 बटा 60 बाय 27 75, ये आवर्स में आ गया, मुझे चाहिए आंसर मिनट में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 60 बाय 75 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई होगा ना, डिवाइड होगा, मतलब वही इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर ही आएगा, कोई सुन नहीं है, ये ऐसे ही आएगा आई थिंक, हाँ, सो ये हो गया 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, और 5 12 जा 60, सो 12 into 4 जा 48, सो 48 मिनट यहाँ पे, मतलब ना जैसे ये है ना, तो इसको हम 60 बाई 75 से 60 डिवाइड कर लेंगे, आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर जाएगा, मतलब ऐसे होगा, मतलब 60 into 60 by 75, सो ये चीज हमने यहाँ किया, सो 48 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख लो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हार्डली आपको 1.5 मिनट लगेगा अगर आप सॉल्व करो, अच्छे से प्रैक्टिस है और इस टाइप के क्वेश्चन पे आपने प्रैक्टिस किया इस टाइप के क्वेश्चन, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, मतलब उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम टाइम में थोड़ा सा एक टाइम के लिए आप कंफ्यूज हो जाओ, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, सो सॉल्व करते हैं इसको, आप एक बार इसका प्रोसेस देखो, ये भी इजी लगेगा, और कभी भी नेक्स्ट फ्यूचर में इस टाइप का क्वेश्चन आए मॉक में या फिर एक्चुअल कैट में, आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, सो रीड करते हैं इसको। अ टैंक इज इम्पटेड एवरी डे एट फिक्स टाइम पॉइंट, फिक्स टाइम पॉइंट पे खत्म खाली हो जाता है, इमिडिएटली देयर आफ्टर आइदर पंप ए और बी और बोथ, या तो ए या तो बी या तो दोनों ए प्लस बी स्टार्ट वर्किंग अंटिल द टैंक इज फुल,
On Monday, A alone completely filled the tank at 8 p.m. On Tuesday, B alone completed filling the tank at 6 p.m. On Wednesday, A alone worked till 5 p.m. and then B worked alone for 5 to 7 p.m. to fill the tank. At what time was the tank filled on Thursday if both pumps were used simultaneously all along? कितना टाइम लगेगा फिल करने में? तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना क्या हो गया कि मतलब एक यहाँ पे एक टाइम फिक्स टाइम दे दिया है कि इतने बजे फिल होता है, लेकिन हमको नहीं पता कि कितने टाइम पे पंप स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा फर्स्ट मोटो होना चाहिए कि कितने टाइम पे पंप स्टार्ट हो रहा है, मतलब दिन के कितने बजे पंप स्टार्ट हो रहा है, या 7 बजे हो रहा है मतलब 7 PM और 6 PM और 4 PM और 1 PM। सो सबसे मेरा फर्स्ट मोटो ये होना चाहिए कि कितने PM पे पंप स्टार्ट हो रहा है, मतलब ए बी और मतलब ए और बी, मेरा फर्स्ट मोटो ये होना चाहिए। अगर मैं वो निकाल पाया सो वहां से मैं टोटल वर्क भी निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा ना कि हाँ ए कितना घंटे काम किया, बी कितने घंटे काम कर रहा है। सो ये दो इक्वेशन आ जाएगा, तो मुझे दो इक्वेशन से टोटल वर्क मिल जाएगा। सो अभी सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को। बस मेरा मेन मोटो है इस क्वेश्चन में कि कितने बजे पंप पे स्टार्ट हो रहा है वो पहला फाउंड आउट करना। अभी देखो, जैसे मान लो कि ए पंप चालू होता है, मुझे नहीं पता कब चालू होता है, और ये 8 बजे फिल कर रहा है। सो लेट सपोज कि जितना बजे भी पंप चालू हुआ यहां से उसको 8 बजे तक टी आवर लग रहा है, मतलब टी आवर्स पंप ये चल रहा है। जितना बजे भी स्टार्ट हुआ उतना से 8 PM तक लेट की टी आवर पंप चला, ये हम एक एज्यूम कर लेते हैं। सो अब ये हम क्वेश्चन का लाइन यूज करते हैं। So, A alone completely fill the tank at 8 p.m. मतलब total work equal to A का efficiency A ले लेते हैं और ये 8 बजे तक मतलब T hour काम कर रहे हैं। So, ये T हो गया। आगे बढ़ते हैं। On Tuesday, B alone completely fill the tank at 6 p.m. अब देखो यहाँ 6 p.m. It means that B 6 p.m. तक काम कर रहा है, मतलब पंप वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम 8 बजे तक टी आवर एज्यूम किए हैं, तो 6 p.m. तक टी माइनस 2 आवर होगा। बी बोल रहा है कि 6 p.m. तक वो वर्क कर रहा है और हमने लेट किया है कि पंप जितना बजे भी स्टार्ट हुआ हो, और क्वेश्चन भी ये बोला है कि फिक्स टाइम पे ही पंप स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि ए कभी भी स्टार्ट हो रहा है और बी कभी भी स्टार्ट हो रहा है। मतलब जैसे मंडे को ए जितने बजे स्टार्ट हो रहा है, ट्यूजडे को बी भी उतने बजे ही स्टार्ट हो रहा है। सो स्टार्टिंग जो टाइम है वो मेरा फिक्स है। सो यहाँ पे 2 घंटे का रिडक्शन, 2 घंटे लेस टाइम में बी टैंक को फिल कर रहा है। सो अगर ए टी टाइम ले रहा है तो बी मेरा टी माइनस 2 टाइम लेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अब टोटल वर्क दोनों सेम है, इक्वेट कर लेते हैं। सो ए टी इक्वल टू बी टी माइनस 2 बी, ये एक इक्वेशन आ गया, इसको भी होल्ड रखते हैं। आगे का स्टेटमेंट रीड करते हैं। ऑन वेडनेसडे ए अलोन वर्क टिल 5 पीएम, मतलब ए अलोन वर्क टिल 5 पीएम, मतलब 8 पीएम से 3 आवर लेस। इट मींस दैट टी माइनस 3। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे लिया। एंड देन बी वर्क फॉर 5 to 7, मतलब ये 2 घंटे काम कर रहा है। सो ये आवर मुझे पता है। सो बी इंटू 2 इक्वल टू टैंक फिल, मतलब टोटल वर्क। सॉल्व करते हैं इसको।
80 minus 3A plus 2B equal to total work. अब total work यहाँ पे कोई या तो ये वैल्यू ले लेते हैं या फिर ये वैल्यू लेते हैं, जैसे 80 माइनस 3A प्लस 2B इक्वल टू 80, टोटल वर्क यहाँ 80 है, ये मैंने ले लिया, 80 एंड 80 विल गेट कैंसिल आउट, सो 2B इक्वल टू 3A, B इक्वल टू 3/2A, लेट कर लेते हैं यहाँ, A का एफिशिएंसी 2 है, 2 4 हम 2 लेट कर, मतलब 2 का मल्टीपल लेट करना है, सो आई एम अज्यूमिंग 2, सो 3 का सॉरी B का एफिशिएंसी इज हाउ मच 3, अब देखो A का एफिशिएंसी निकल गया, B का एफिशिएंसी निकल गया, अब हमें क्या चाहिए, टी टाइम चाहिए कि कितना बजे, कितने बजे पंप स्टार्ट हो रहा है, टी निकालना है, सो अब देखो यहाँ पे हम इक्वेशन पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे अब ए है 2, सो 2t इक्वल टू, बी है 3t माइनस 2 इंटू बी, सो 2 इंटू 3, सो 3t माइनस 6 2t, सो t इक्वल टू 6, सो t का वैल्यू 6 आ गया, यहाँ पे t का वैल्यू 6 आ गया, अब जब t का वैल्यू 6 आ गया, एक सेकेंड गाइज, समथिंग इज हैपनिंग विथ माय पेन, या करेक्ट सॉरी या, सो टी इक्वल टू 6, सो हम लोग अब टोटल वर्क निकालने थे, टी इक्वल टू 6 का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे मैंने टी वैल्यू लिया था, सो 6 घंटा मतलब 8 PM से मतलब इतना जो स्टार्टिंग टाइम है वहां से 6 आवर ये पंप चल रहा है, सो ये 8 PM है, सो स्टार्टिंग टाइम मेरा क्या होगा 2 PM, 2 PM से 8 PM मतलब 6 आवर, तो स्टार्टिंग टाइम मेरा पता चल गया 2 PM कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है पंप, यहाँ भी 2 PM ही होगा, पंप बी भी 2 PM से 6 PM तक चल रहा है, सो अब देखो टी निकल गया, ए का एफिशिएंसी पता है, सो टोटल वर्क हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ए का एफिशिएंसी 2 इंटू टी 6, सो 12, पंप का कैपेसिटी 12 यूनिट, सॉरी टैंक का कैपेसिटी 12 यूनिट, अब क्या बोल रहा है कि व्हाट टाइम टैंक फील्ड इफ बोथ द पंप साइमल्टेनियसली, मतलब 2 PM से दोनों एक साथ पंप स्टार्ट हो रहे हैं, सो उसके बाद का मुझे टाइमिंग निकालना है कि कितने बजे वो टैंक को फिल कर रहा है, सो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, सो ऐड कर दो दोनों का एफिशिएंसी 5, सो 5 × 2 = 10 एंड 2/5, सो इतना आवर्स हो गया, इसको हम लोग मिनट में ले लेते हैं, सो 2 × 5 इंटू 60, सो 12, 2 hours, 2 × 12 24, 2 hour 24 minute में टैंक को फिल कर रहा है, अब टाइम बताना है मुझे कि एट व्हाट टाइम, सो देखो 2 PM पे मेरा फिक्स स्टार्ट हो रहा है और 2 hour 24 minute पे टैंक को फिल कर रहा है, इट मींस जो 2 PM प्लस 2 hour 24 minute मतलब 4 PM 24 मिनट, सो 4 PM 24 मिनट, ये डी आंसर हो गया इसका, सो इस टाइप के क्वेश्चन में मेरा मेन मोटो रहता है कि स्टार्टिंग टाइम हम लोग फाइंड आउट करें, एक हम टाइम का वैल्यू एज्यूम कर ले, मतलब कोई वेरिएबल एक लेट कर ले, टी एक्स वाई जेड कुछ भी जो मन करे ले लो, वहां से हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इस टाइप ये टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मॉक में भी, बहुत मॉक में मतलब IMS या फिर CL में आते रहते हैं इस टाइप के।